नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी का सूर्य मंदिर विवादों में गिरता जा रहा है। इस मंदिर में अधपति जमाने के लिए एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास के समर्थक तो दूसरी तरफ वर्तमान विधायक सरयू राय और उनके समर्थक लगे हैं, जहाँ आए दिन लीगल अनलीगल कार्यों की दुहाई देकर विरोध, आक्रोश और मारपीट की नौबत बनी रहती है। आज विधायक सरयू राय ने फिर एक बार सिद्धगुड़ा सूर्य मंदिर में हुए अनलीगल कार्यों की लिस्ट पत्रकारों के सामने रखा, कहा जब तक हमें कोई इस परिसर में गलत नहीं कर सकता। वही बोले चाहे वहाँ राज्यपाल या राष्ट्रपति आ जाए, शंख मैदान सूर्य मंदिर के अधीन नहीं होगा। मैं कहता हूँ ना कि जमशेदपुर में हड़प्पू गोत्र का कब्जा कुटुंब पैदा हो गया। वो चाहता है कि हम शंख मैदान, तालाब, जो 6 एकड़ जमीन है आगे का, हम उस पर कब्जा कर लें। मेरा ही कहना है कि आखिर आपने सूरज मंदिर और शंख मैदान के बीच में क्यों बनवाया बाउंड्री? कोई पूछे माँ राज्यपाल हो गए हैं रघुवर दास जी कि भाई महेश पोदार जी ने आपके कहने पर फंड दिया, आपके पीए अंजन सरकार को सारी सूचनाएं देते रहे, बाउंड्री बन गई तो सूरज मंदिर अलग हो गया, बाकी मैदान अलग हो गया, वो सरकारी मैदान है। अब कहीं भी ले जाके तंबू खड़ा कर दीजिए और रामधुन करने लगी कि आध्यात्मिक कार्यक्रम हो गया है उस जगह पर। तो आध्यात्मिक कार्यक्रम में नेहा कक्कड़, सुनिधि चौहान और एक और आई थी पिछली बार, सब आती रही हैं। ये किन गानों के लिए मशहूर हैं ये सारे गाने जिन्होंने छठ के समय में जमशेदपुर के सूर्य मंदिर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जो गीत गाया था, आज YouTube पर बहुत सारे गीत मौजूद हैं। उस समय के अखबारों ने छापा है कौन कौन गीत गाए गए, तो इसमें आध्यात्मिकता हो जाती है। हम लोग ये कहते हैं कि मंदिर मंदिर समिति को कब्जा कुटुंब में नहीं शामिल होना चाहिए, हड़प्पू गोत्र का नहीं बताना चाहिए अपने आप को। तो इसके बाद उन्होंने बाउंड्री ही तोड़ दिया, सरकारी पैसे से बाउंड्री बनी, आपने तोड़ दिया, सरकारी काम में आप बाधा डाल रहे हैं। मैं तो शंख मैदान को बेहतर बनाना चाहता हूँ। शंख की मर्यादा पैर की ठोकर लकड़ी और जूता पहनकर कोई चढ़े इसमें नहीं है, बल्कि उसको एक चबूतरा पर ऊंचा करके रखा जाना चाहिए। हमारे पौराणिक नाम हैं शंखों के, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर से लेकर सबके नाम हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। कोई टहलने घूमने जाता है तो आप उससे 5 रुपया वसूल लेते हैं, मगर उसके किनारे बेंच उंच भी तो होना चाहिए ताकि कोई जाए बैठे, महिलाएँ पुरुष हैं समय बिताएँ। तो मैं तो किनारे में बेंच लगवाना चाहता हूँ। और यदि उस मैदान में आध्यात्मिक कार्यक्रम करना ही है तो वो संपत्ति जिला प्रशासन की जेनेसिस है, आप उनसे अनुमति लीजिए, वहाँ कार्यक्रम करिए। सूर्य मंदिर भी कर सकती है, कोई दूसरा मंदिर भी कर सकता है, और कोई दूसरा समूह भी वहाँ अपना धार्मिक कीर्तन और काम कर सकता है। अब उस पर आपका कब्जा हो जाए, आपका एक अधिकार हो जाए। ये चाहते हैं कि अब जो जाए वहाँ आपसे पूछ कर जाए, आपको 5 रुपया दे कर जाए। तो मेरी मत भिन्नता इससे है, इसलिए मैंने अपने निधि से उस मैदान को और सुंदर बनाना, प्रासंगिक बनाना, धार्मिक बनाना, इसके लिए लिखा है निधि। और जिला प्रशासन के लोग हैं कि इसमें से किसी को बकार नहीं निकल रहा है कि हमने साहब क्या काम के लिए लिखा है। तो मैंने यही कहा है कि जितने कागजात हैं सबके सब साबित करते हैं कि वो ज़मीन सरकार की है, इसलिए कोई सूर्य मंदिर समिति चाहे कि हम उसको हड़प लें ये नहीं होगा। मैं अभी सलाह दूंगा कि सूर्य मंदिर की बाउंड्री थी, बाउंड्री के भीतर बड़ा दायरा है, जगह है, और सूर्य मंदिर को बनाने में भी सरकार का पैसा लगा है। कह दें कि नहीं लगा है, मैं दिखा दूंगा कि कौन लगा है, कितना लगा है, किस निधि से कितना लगा है। तो आप उससे संतुष्ट रहिए, वहाँ करिए, धर्म कर्म का काम करिए, मंदिर में वास्तु दोष है उसको ठीक करिए। तो ये करिएगा नहीं, आगे सपाट 6 एकड़ का प्लॉट दिखाई पड़ रहा है तो 6 एकड़ के प्लॉट पर हम कब्जा कर लें। इतना ही हमारी सोच और उनकी सोच में अंतर है। श्रीराम सैनिटरी एंड बोरवेल 12 वर्षों से एक वेल एस्टैब्लिश्ड रिटेल एंड होलसेल स्टोर है जो सैनिटरी और बाथरूम प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट है। जमशेदपुर के मानगो पाडी रोड केला बागान शाची ग्रीन के समीप स्थित ये 12 वर्षों से क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रिलायबल सर्विस के साथ ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।